ये जो फाइल है ना स्टूडेंट के लिए तर्कश है तर्कश। इसमें आपके तीर रखे होते हैं, नोट्स रखे होते हैं, टेस्ट पेपर रखे होते हैं। एग्जाम के युद्ध में ये सारे हथियार आपको बहुत काम आएंगे। अपने नोट्स को, अपने टेस्ट पेपर को इस फाइल में रखना सीखिए, अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करना सीखो मेरे भाई। जब एग्जाम का टाइम आता है ना तब आप नोट्स के पीछे भागते हो, कभी अपने दोस्तों से मांगते हो, कभी अपने टीचर से मांगते हो, और भाई एग्जाम के टाइम में बड़े नखरे होते हैं दोस्तों के, वो नहीं देते हैं आपको नोट्स। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने संभाल के रखे होते हैं। आपको भी अपने नोट्स फाइल में संभाल के रखना सीखना होगा मेरे भाई, अपने नोट्स को फाइल में संभाल के रखना सीखो। आगे चलते हैं, अगला है ग्रुप स्टडी। देखो भाई ग्रुप स्टडी बड़ी काम आती है। अच्छा ग्रुप स्टडी में ये तो करना मत, एरी तूने क्या किया, एरी कल तूने क्या किया था, ए भाई वो लड़की को देखो कितनी मस्त लग रही थी, ए बहन वो लड़का कितना हैंडसम लग रहा था। भाई ये सब ग्रुप स्टडी में बिल्कुल बेकार की चीजें हैं, और ज्यादातर मामलों में यही होता है। लेकिन ग्रुप स्टडी के फायदे बहुत है भाई। ग्रुप स्टडी से एक सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है। कुछ जो आपको नहीं आता वो आपके दोस्त आपको बताएंगे, कुछ जो आपको आता है वो आप अपने दोस्तों को बताओगे। इससे क्या होता है, बहुत ही फायदा होता है ग्रुप स्टडी के अंदर। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है, आपका आइडियाज, आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं, और आप अपने स्टडी को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। तो भाई ग्रुप स्टडी जरूर करना, बस यार वो काम मत करना जो मैंने आपको पहले बताया ग्रुप स्टडी, वरना ग्रुप स्टडी एक अच्छी आदत है। ग्रुप स्टडी करोगे तो आप अपने स्टडी को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। अगला पॉइंट है स्टिक टू प्रिंट। भाई देखो प्रिंट किए हुए नोट्स जब हमारे पास होते हैं ना, ये देखिए ये प्रिंट किए हुए नोट्स हमारे पास होते हैं ना भाई, इनकी बात ही अलग होती है, इनको पढ़ने में मजा ही अलग आता है। भाई देखो जब आप फोन से पढ़ते हो ना तो सच में आप आधा टाइम तो अपना वेस्ट कर देते हो, क्योंकि जब फोन से जब आप पढ़ रहे हो तो एक नोटिफिकेशन आ गई, उसको देखने के लिए मन ललचा जाता है, तो आप वो नोटिफिकेशन देख लेते हो, या कोई मैसेज का रिप्लाई करने लग जाते हो, या यूट्यूब पे चले जाते हो, फेसबुक पे चले जाते हो, तो भाई आपका आधा समय तो ऐसे ही नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो प्रिंट के हिसाब से अगर आप चलोगे, प्रिंट पर चलोगे तो काफी फायदा आपको होगा, प्रिंट से पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। चलिए आगे चलते हैं, आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम टीचर। देखो भाई अपने बारे में पूछना कोई गलत बात नहीं है, फीडबैक लो अपने टीचर से, और हाँ टीचर्स को बड़ी खुशी होती है जब स्टूडेंट उनसे फीडबैक लेते हैं। टीचर से पूछो कि आपकी कमी कहाँ है, कहाँ आप लैग कर रहे हो, क्या चीज स्टडी में ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है, टीचर से पूछो। कई बार हमें अपनी गलती खुद ही नहीं पता होती लेकिन दूसरों को पता होती है, तो टीचर से पूछो, एडिशनल फीडबैक लो उनसे, उनसे पूछो कि सर या मैम मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है इस चीज में, आप मुझे बताइए आपके हिसाब से, और क्या चीज मैं अच्छी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो भाई ये चीज आपको जरूर करनी चाहिए, फीडबैक अपने टीचर से जरूर लो। आगे चलते हैं, मेक हैप्पी एंडिंग। भाई दिन की शुरुआत जब आपने अच्छी तरीके से की थी तो दिन का अंत भी शुरू करो, मतलब अंत भी सही तरीके से खत्म करो, हैप्पी एंडिंग करो। ऐसा क्वेश्चन मत करो मतलब दिन के एंड में जो आपको परेशान करे। हैप्पी एंडिंग एक सिंपल सा सही सा सवाल ले लो जो आपको आता हो, और उस सवाल से दिन की एंडिंग करो। इससे क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को बीच में ही छोड़ दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपकी टेंशन बढ़ेगी कि ये सवाल तो मेरा निकला ही नहीं। इसलिए जब भी आप ब्रेक ले रहे हो या पढ़ाई का अंत कर रहे हो, अंत का मतलब उस दिन की पढ़ाई खत्म कर रहे हो, तो हैप्पी एंडिंग करना सीखो, आसान सवाल करो जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, आपको कॉन्फिडेंस दे। तो दोस्तों ये थे 5 स्टडी टिप्स जो मैंने आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।